तो डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमने लास्ट क्लास में आइकन्स एंड डेटा वार को मैनिपुलेट करना सिखाया था। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में थोड़ी सी फॉर्मुलेज वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फॉर्मुलेज को और का यूज करके हम इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बेनिफिट उठाते हैं। तो फॉर्मुलेज मतलब कि आप कलर कहीं और करना चाहते हैं और फॉर्मूला कहीं और लगाना चाहते हैं, या फॉर्मूले के बिहाफ पे आप कलर करना चाहते हैं, ठीक है, उस केस में हमारा यूज होता है फॉर्मूला। अब फॉर एग्जांपल अभी आपके साथ हम बात कर रहे हैं, होता है कभी कभी क्या है कि जब हम डायनेमिक डैशबोर्ड बनाते हैं तो उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि हमें डेटा को लुकअप करते समय डेट और इसमें डेट और बाकी डेटा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि छोटा सा डेटा, अभी बात करते करते मैंने एक छोटी सी डेटा तैयार कर दी आपके साथ। अब मुझे यहाँ पे मेरे पास आईडी है और यहाँ नेम, तो आपने क्या किया, मैंने क्या किया, VLOOKUP लगाया, इसको सिलेक्ट किया और डेटा को लिया कॉमा टू कॉमा जीरो में, तो फिक्स है। लेकिन क्या है, कभी पूजा हो सकती है, कभी कभी नेम हो सकता है, कभी डेट हो सकता है, कभी क्वांटिटी हो सकता है, क्या यहाँ पे कि यहाँ पे भी मैंने ड्रॉप डाउन, मान लीजिए कि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हुए डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने लिस्ट बना दिया कि इसके अंदर में तीनों में से कोई भी सिलेक्ट करके देख सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है, अभी एक्टिव नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हम मैच फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है आपको VLOOKUP पे प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं, हम फॉर्मूले क्लासेस में इसको क्लियर कर देंगे। अभी आप ध्यान रखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। ये फॉर्मूला मेरा तैयार हो गया, इसमें VLOOKUP एच फोर ए से लेके डी कॉलम के लिए हमने, अच्छा एच फोर नहीं, इसको मुझे आई ए यहाँ पे गलत सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मुझे डेट को सिलेक्ट करना चाहिए। अब रिजल्ट आया, अब देखा आपने, मैंने डेट सेलेक्ट किया तो रिजल्ट किस तरह का आ गया, 7 4 8 6 5 2। आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको आप कंट्रोल शिफ्ट हैश दबा के डेट में कन्वर्ट कर दीजिए, राइट सर? यस सर। अब डेट में कन्वर्ट तो मैंने कर लिया, ठीक है, अब नेम यहाँ पे आया तो दिख गया, जैसे ही क्वांटिटी करूंगा तो क्या है, इस तरह का डेट दिख रहा है, तो मैं वापस इसको नंबर में कन्वर्ट कर लूंगा, फिर वापस मैं डेट कैसे सिलेक्ट करूंगा तो वापस नंबर आएगा, तो इसमें एक प्रॉब्लम है ना सर, कि जितना बार मैं ड्रॉप डाउन चेंज करूंगा मुझे फॉर्मेटिंग भी चेंज करनी पड़ेगी ना। यस सर। तो जब हम डायनेमिक डैशबोर्ड या ऑटोमेटेड डैशबोर्ड बना रहे हैं तो वहां इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल्स के अंदर न्यू रूल्स में जाएंगे और यहाँ से फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम बोलेंगे कि अगर ए इक्वल टू डेट है, ठीक है, अगर इक्वल टू डेट है तो नंबर पे गए, डेट पे गए और या कस्टम पे ही चले जाइए, DDMYY जो है, ठीक है, हमने इसको ओके कर दिया, देन ओके कर दिया एंड अप्लाई, देन ओके। लेकिन ध्यान रखिएगा मुझे इसको एक बार जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नेम क्वांटिटी डेट, डेट में फिर क्यों नहीं चेंज हुआ, ओके, डेट को इन्वर्टेड कॉमा में डालना है क्योंकि डेट इज अ टेक्स्ट। यस। अब आ गया फॉर्मेट। यस। अब मैं यहां पे अगर क्वांटिटी करता हूं तो नॉर्मल और डेट करता हूं तो डेट, क्वांटिटी करता हूं तो नॉर्मल,
डेट करता हूं तो डेट, समझ गए? यस सर। चलिए एक एग्जांपल दे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो अगली एग्जांपल है उस पे चलते हैं। अगली एग्जांपल में मैं एक अटेंडेंस का ऑटोमेटिक फॉर्मेट बनाना चाहता हूं, ठीक है? ओके। अब जैसे मैंने तो बड़े से कोई सी बड़ी बात है, फॉर्मेट बना लीजिए। तो चलिए बनाते हैं। हमने यहाँ पे सीरियल नंबर दिया, नेम दिया, डिपार्टमेंट दिया, और यहाँ पे हमने एक डेट डाल दिया। यहाँ पे बाकी डेट के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाया, इसमें जस्ट प्लस कर दिया और हम बाकी डेट यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। अब प्रॉब्लम आ गई कि 31 तक दिन होने चाहिए ना सर, 31 तक होने चाहिए, तो 31 नहीं हुआ, यहाँ पे मई तक ही आ गया। कोई बात है, उसको भी ऑटोमेट करते हैं। फिर यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाता हूँ और यहाँ पे हम कर देते हैं DDT, ताकि संडे मंडे ट्यूजडे आ जाए। अब ये जो डेट आ रहा है आपका, इसको एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टम फॉर्मेट में जाके सिर्फ दो बार DD कर देता हूँ ताकि 1, 2, 3 के फॉर्मेट में आ जाए। और यहाँ मैंने मंथ ले लिया और यहाँ हम टेक्स्ट फॉर्म टेक्स्ट फॉर्मूले की मदद से इस डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ कर देते हैं DD MMM and YY, ताकि मंथ और डेट आ जाएगा। फिर पूरे को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर दिया। ऑटो फिट करते क्या हुआ, छोटा हो गया, ताकि एक पे दिख रहा है ना, इसलिए। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम डेट मंथ डालना है, डेट डालेंगे, जैसे मुझे अप्रैल का 30 है तो 30 आना चाहिए, एक मई का आ गया डेट, है ना, 30 तक होने चाहिए। ऐसे ही फरवरी का 28 से 29 तक होना चाहिए, तो मिनिमम जो है हमारा 28 तक तो रह गए रहेगा, राइट सर? यस सर। उसके बाद है 3 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला ऊपर जो फॉर्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे, उसमें सिंपल सा करते हैं कि इफ एज इसमें प्लस वन करने पे, ए प्लस वन करने पे अगर ग्रेटर देन है ईओ मंथ, एंड ऑफ द मंथ पता ही होगा आपको जी, कॉमा 0, ऐसा हुआ तो ब्लैंक शो करो, अदरवाइज 28 में प्लस वन, और एक एरर आने के चांसेस है, इसलिए पूरा का पूरा हम इफ एरर के अंदर डाल के ब्लैंक कर देते हैं, ताकि एरर, क्योंकि यहाँ पे आगे एरर आएगा, इसमें ब्लैंक में नहीं जोड़ पाएगा, इसलिए हमने डाल दिया। तो देखिए हट गया। तो अगर मैं यहाँ पे मार्च कर यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अगर हम मार्च का डेट डालते हैं तो देखिए 31 तक बन के आ रहा है। यस सर। अगर मैं फरवरी का डेट डालता हूँ तो 28 तक बन के आ रहा है। अब मुझे क्या करने हैं कि मुझे उसी हिसाब से फॉर्मेट भी करना है, समझ रहे हैं सर? ओके। फॉर्मेट मतलब कि मान लीजिए कि मैंने पूरा फॉर्मेटिंग यहां तक कर दिया, तो एक फालतू का फॉर्मेट दिखेगा ना सर आपको? हाँ यस सर। यहाँ तक का फॉर्मेट दिखेगा ना फालतू का आपको? मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, बॉर्डर वगैरह लगाना चाहता हूँ, बॉर्डर ही मान लीजिए ना, फॉर्मेट में क्या, बॉर्डर ही मान लीजिए। मैं यहाँ तक तो नॉर्मली अपना नॉर्मल फॉर्मेट है वो लगा देता हूँ, और ए जो है उसी हिसाब से लगाना चाहता हूँ, उसी फॉर्मेटिंग के हिसाब से। तो प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में यूज फॉर्मूला में जाता हूं और यहां पे बोलता हूं कि अगर ए नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, समझ गए, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो क्या करें, बॉर्डर पे जाए और पूरा का पूरा बॉर्डर लगा दो, ठीक है? यस सर। और यहाँ जो D5 का 5 भरने देता हूँ, D को हटा देता हूँ, then okay, formatting दिया और इसको format कर दिया, ठीक है? अब बोलेंगे सर,
पूरा में करना था ना हमको, यहाँ भी करना था ना, इसको भी करना था ये यहाँ पे, ये फॉर्मेटिंग नहीं हुआ ना सर? जी जी यस सर। अगर सर हेडिंग को कर रहे हैं तो हेडिंग को भी कर सकते हैं, हेडिंग को लीजिए यहाँ से कर दीजिए, ठीक है। हेडिंग करने के बाद क्या दिक्कत होगा कि इसके अंदर का जो डेट फॉर्मेट है ना वो हट जाएगा, फिर इसको दोबारा से जाकर कस्टम में जाके डीडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो yes. अब मैं यहाँ पे मार्च का करता हूं, 31 तक का आ गया जी। अगर अप्रैल का करता हूं तो 30 तक, तो फॉर्मेटिंग उस हिसाब से लूंग होना है। yes. इसमें और भी इसी तरह का फॉर्मेटिंग आप चूज कर सकते थे, समझ गए कि yes, आपका डेटा के हिसाब से, क्योंकि कल के डेट में हुआ आप लिस्ट कर लिया, आपने आप सेलेक्ट किया लिस्ट, पूरा डेटा का लिस्ट आ गया, तो आप क्या करना चाहते हो फॉर्मेटिंग में उसी हिसाब से लगाना चाहते हो ताकि आपका डेटा ऊपर नीचे होता है, तो yes. फॉर्मेट ऊपर नीचे होता है। अगर हम तीसरी एग्जांपल की बात करें तो तीसरे एग्जांपल में हम एक ग्रांड चार्ट यहां बनाने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से, समझ गए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं प्रोजेक्ट डालता हूँ, प्रोजेक्ट कि मेरा प्रोजेक्ट कब का प्रोजेक्ट का नेम कौन सा है, स्टार्ट कब हुआ था और एंड कब हुआ है, समझ गए। स्टार्ट कब हुआ और एंड कब हुआ, सिंपल सा, कोई खास नहीं डाल रहा हूं इसमें, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूले ज्यादा पढ़े नहीं ना इसलिए। और यहाँ पे हम डेटा नंबर डालते हैं, नॉट ए डेट नहीं, एक से लेकर 30 तक, जितना दिन का आपका मैक्सिमम प्रोजेक्ट होता है ना उतना, ठीक है। हमारे फिलहाल हम 30 दिन का कर देते हैं, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे रैंडम डेटा डाल देता हूँ रैंड बिटवीन 1 से लेके 20 तक, नहीं नहीं नीचे, और ठीक है सर। यस सर। अब करना क्या है मुझे, जैसे 6 से लेके 9 तक चला है ना, तो 6, 7, 8, 9 ये तीन यहाँ पे कलर हो जाने चाहिए, समझ गए। यस सर। तो कैसे करें, हालांकि इसके लिए कंडीशनल फॉर्म, इसके लिए हम फॉर्मूला को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डायरेक्ट नहीं लगा, हम यहाँ बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे, टाइप करते हैं, तो यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला कि एंड का, कि एंड ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है स्टार्ट डेट, ध्यान रखिए हमने क्या बोला कि D3 बड़ा या बराबर है स्टार्ट डेट, समझ गए। फिर ऊपर वाली वैल्यू छोटा या बराबर है एंड डेट, क्लियर है जी। एंटरप्राइज किए तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और यहाँ पे ट्रू नहीं चाहिए, हमें चाहिए इफ अगर ऐसा हुआ तो 1 आना चाहिए, अदरवाइज ब्लैंक आना चाहिए, ठीक है। yes, अब आगे ड्रैग करना है तो कॉलम यहाँ पे D3 है ना, D4 है इसका 3, जो D3 का $3 करना चाहिए, B4 का B करना है, और फिर D3 का $3 से रिफ्रीज करना है, और C करना है C4 का। अब मुझे आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। यस सर।
तो 0 0 आ गया। अब इसको फॉर्मेटिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए बताता हूं मैं। तो मैं इस पे कोई खास फॉर्मेटिंग नहीं, सिर्फ इक्वल टू का फॉर्मेट लगाऊंगा और इसके कस्टम में आता हूं। कस्टम में आने के बाद सबसे पहले तो मैं यहां पे फिल लेता हूं। फिल में मैं ग्रीन फिल ले लिया और बॉर्डर भी चाहिए हमको, तो बॉर्डर में मैं हल्का लाइट बॉर्डर रखता हूं, ये वाला ऊपर और नीचे का, साइड का नहीं, ठीक है। और फॉन्ट कलर भी ग्रीन कर देता हूं ताकि जो जीरो मेरा है ना दिखे नहीं, ठीक है सर। यस सर। एंड ओके, ठीक है सर। जी सर, दिख रहा है ना सर। यस यस। 1 से 10 तक गया, 2 से 8 तक गया, क्या सर? या यस सर। हम मान लीजिए इसी में मुझे क्या करने हैं, हाँ ओके। अब मैं इसमें एक काम और ऐड करता हूं, बोलता हूं कि एक्चुअल मतलब कि एक्चुअल डे मतलब कि यहाँ पे करेंट क्या है, ओके, वर्क का परसेंटेज बोल रहा हूँ कि कितना परसेंट हुआ है। जी, क्योंकि आपको याद हो ये जो चीज में नकल किया है ना, इस सिंपल ग्रांड चार्ट जो कि आपने बनाया था, याद? यस यस। इसमें क्या था, परसेंटेज था कि 50% हुआ है तो 50% कुछ और कलर होगा, 50% कुछ और कलर निकले। और यहाँ पे हमने क्या किया, जीरो, हमने तो जीरो किया है, बट इसमें आप देखेंगे तो इसे पूरी फॉर्मेटिंग इसने यहाँ लगा रखी है। अब देखिए 50% हो चुका है, 50% बाकी है, तो 50% के लिए देखिए इसने क्या किया हुआ है, या एंड का फॉर्मूला लगा हुआ है कि टास्क से स्टार्ट, और इसने राउंड डाउन किया हुआ है, दिख रहा है? तो इसको आप समझिएगा और इसी तरह से इसको भी बना के देखिएगा, ठीक है सर? श्योर सर। और दूसरी चीज है कि हमने जीरो जो है हम यहाँ पे जीरो कर दिए थे, वरना जो फॉर्मूला हमने सेल में लगाया है ना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर भी लगा सकते हैं। लगा लीजिएगा, लगा के दिखाऊं मैं आपको। हाँ लगा सकते सर, लगा देंगे। तो ये आपका हो, ठीक है सर? जी जी। अब इसमें हमारे पास एक डेटा, अब इसके बाद प्रोटेक्शंस की आती है बात। जब हम रिपोर्ट बना लेते हैं तो हमें प्रोटेक्शंस के हिसाब से करना होता है। जैसे एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ इसी पे एंट्री कर पाऊं, बाकी पे कहीं एंट्री ना कर पाऊं, समझे? ओके। सिर्फ इसी पे एंट्री कर पाऊं, तो जिसमें एंट्री कर पाएंगे उस पर आप क्या करें, फॉर्मेट सेल पे जाएं, और फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद इसकी प्रोटेक्शन में जाके लॉक्ड को अनचेक कर दें, देन इसके ऊपर मैं पासवर्ड डाल देता हूं। पासवर्ड डालिए, कंफर्म कर दीजिए, ठीक है? मैं पासवर्ड नहीं डाल रहा हूं जी, वैसे ओके कर दिया। अब मैं कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ यहीं पर चेंज कर सकता है, राइट? यस। आप ही कहीं चेंज नहीं कर सकते। और दूसरी बात और भी है कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे तो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डेटा को सिलेक्ट भी कर पा रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूं कि डेटा मेरा सिलेक्शन ही ना हो। तो इतना एरिया जो दिख रहा है आपको, मैं चाहता हूं क्योंकि इसके अंदर लगा रखा है मैंने फॉर्मूला, और मैं नहीं चाहता कि फॉर्मूला देखे और कोई डेटा कॉपी भी कर, इसको कॉपी भी कर पाए, राइट? तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में गए और इसको इसको में पहले पूरे सीट को हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट करके राइट क्लिक फॉर्मेट सेल में जाके अनलॉक कर देते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट लॉक होता है। और फिर मैं वापस सिर्फ हमारा जो डेटा है ना जहाँ पे, उसी को सिलेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट शीट पे जाके इसको लॉक कर देते हैं। पासवर्ड डालते समय, जो पासवर्ड डालते समय हम यहां दिख रहा है सिलेक्ट लॉक सेल, इस सिलेक्ट लॉक सेल को यहां से अनचेक करके ओके कर देता हूं, हो गया? अब देखिए इस पे क्लिक ना, यहां पे क्लिक कर सकता हूं, यहां पे क्लिक कर सकता हूं, बट यहां पे क्लिक ही नहीं होगा, एक तरह से आपका चार्ट का पार्ट लगेगा,
यस सर समझ गए, मैं ग्रिड लाइन हटा देता हूं, एक तरह से आपको चार्ट्स ही लगेगा, यस सर, कहीं सिलेक्ट ही नहीं होगा, समझ गए, यस सर। तो इस तरह से प्रोटेक्शन का पार्ट भी इसके अंदर कर सकते हैं। अब इसकी कीजिए प्रैक्टिस, श्योर सर, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हम कल से पिवट टेबल के बारे में स्टार्ट करेंगे। ओके सर, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं। इसमें नहीं है सर। चलो।